आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय आज की बात में हम लोग बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष, इनका एक छोटा सा परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं। और दरअसल ये जो परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं, ये परिचय पुस्तक रूप में प्रसिद्ध संशोधक प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य जी ने लिखा है, और उनका एक बड़ा अच्छा पुस्तक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। आपके पास ये जो जानकारी पहुंचा रहे हैं, इस जानकारी में उनके इस संशोधन का एक बड़ा रोल है, और उसी के आधार पर ये संशोधन भी आपके पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन बुद्धघोष की जो बात आती है, तो बुद्धघोष एक ऐसे अटक कथाकार है जो थेरवादी परंपरा में बौद्ध साहित्य की, इसमें उनकी एक विशेष महत्ति है। और इस विशेष महत्व के साथ जब हम बुद्धघोष को समझते हैं, तो उनका विशुद्धि मग्ग तो सबको पता है, लेकिन इस विशुद्धि मग्ग का मर्म क्या है, इस मर्म को समझना बड़ा जरूरी है। बुद्धघोष ने वो कौन सी बात है जो बात हम तक पहुंचाने की कोशिश की है, इसे भी समझना बड़ा जरूरी है। तीसरी बात एक ये भी आती है कि बुद्धघोष जब बौद्ध साहित्य के सबसे प्रसिद्ध टीकाकार है, और टीकाकार की टीकाओं को भी बौद्ध साहित्य का जब हिस्सा बनाया जाता है, तो आप समझिएगा कि बौद्धों के पास में जो व्यवस्था है, खास व्यवस्था, कि जो बुद्ध वचन है, इस बुद्ध वचन को अगर इसकी कोई आलोचना करें, इसकी कोई समीक्षा करें, और समीक्षा के बाद उसका विश्लेषण करें, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसी कड़ी में ये जो टीकाएँ आती हैं, इन टीकाओं में भी एक खास संदेश होता है, और इस संदेश से भी जीवन को मार्गदर्शन मिलता है। तो आइए बुद्धघोष की इस जानकारी की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में एक बात देखी कि बुद्धघोष पहुँचे हैं श्रीलंका, और श्रीलंका में उन्होंने दिग्निकाय और धम्म संगिणी दोनों का जो सिंहली से पाली रूपांतरण है वो उन्होंने किया। जब उन्होंने ये जो रूपांतरण है इसे जब किए, तो वहाँ के सिंहल के जो भिक्षु हैं, वहाँ के सिंहल के जो विद्वान हैं, जिन विद्वानों को बुद्धघोष की ये बात बड़ी पसंद आई, और उनका ये रूपांतरण, उनका ये अनुवाद उन्हें इतना भा गया कि उन्होंने ढेर सारा बौद्ध साहित्य जो कि सिंहली में था, वो उन्होंने बुद्धघोष के समक्ष लाकर रख दिए, और उनसे कहा कि अब आप इसका भी अनुवाद कीजिए, क्योंकि अब वे इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे कि बौद्ध साहित्य का एक बेहतर अनुवाद और एक उसका बेहतर रूपांतरण जो सबके पास पहुंचेगा, ये करने की क्षमता बुद्धघोष के पास है। और ऐसे ही अब ये सारा साहित्य उनके पास आया अनुराधापुर के परिवेण में, वहां रहकर बुद्धघोष ने इस काम को पूरा किए। तो सिंहली अटक कथाओं का जो मागधी रूप, यानी कि पाली का जो रूप है, वो रूप जो इस समय हमारे सामने दिखता है, ये सब काम बुद्धघोष का है। एक और बात है कि ये बात, जब ये काम तो पूरा हो गया, और जब बुद्धघोष भारत लौट आए, तो भारत में उनका जो सम्मान हुआ, वो सम्मान भी बड़ा देखने लायक रहा, क्योंकि भिक्षु बुद्धघोष महास्थवीर रेवत के शिष्य हैं, और श्रीलंका से पढ़कर जब वे सीख कर वहाँ के सारे साहित्य का अनुवाद कर जब वे लौटे हैं, तो उनका सम्मान, उनकी जो ख्याति थी वो और भी बढ़ गई, जो जितनी थी उससे ज़्यादा बढ़ गई। ये कहा जाता है कि कंबोडिया में ही बुद्धघोष का अंतिम समय बीता है, वे अपने अंत समय में कंबोडिया में ही रहे। कंबोडिया में एक प्राचीन बुद्ध विहार है, और इस बुद्ध विहार का नाम है बुद्धघोष। तो देखिए, बोधगया के पास घोष गांव में जन्मे आचार्य बुद्धघोष, जो बाद में भिक्षु भी बन गए, लेकिन उनके नाम से कंबोडिया में हमें एक बुद्ध विहार मिलता है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि बुद्धघोष ने पहले कौन सा ग्रंथ तैयार किया,
फिर उसके बाद का कौन सा, फिर उसके बाद का कौन सा, तो लेकिन इसका निर्धारण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यदि हम बुद्धघोष की अट्टकथाओं को देखें तो उसमें इस अट्टकथा में पिछले अट्टकथा का कहीं ना कहीं संदर्भ मिलता है, कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है, दूसरे में तीसरी का, तीसरी में पहली का, तो ऐसे अलग अलग अट्टकथाओं में अलग अलग संदर्भ मिलते हैं, तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन समत्त पाशादिका विनय पिटक की जो अट्टकथा है, इसके बाद बुद्धघोष ने पातिमोक्या, इस पर भी एक अट्टकथा लिखी है जिसका नाम है कंखा वितरणौ या माती कट्टकथा, ऐसे दो नाम से ये मिलती है। बुद्धघोष ने चार निकायों पर अट्टकथाएं लिखी है और ये चार निकाय हैं दिग् निकाय, जिस पर उन्होंने सुमंगल विलासिनी लिखा है, मज्जिम निकाय पर उन्होंने लिखा है पंपच सूदनी, और संयुक्त निकाय पर उन्होंने लिखा है सारथप्प कालिनी, और अंगुत्तर निकाय पर मनोरथ पुराणी। तो ऐसे चार निकाय पर चार अलग अलग अट्टकथाएं बुद्धघोष ने लिखी है, और ये चारों अट्टकथाएं जो है ये निकायों पर आधारित है। अभिधम्म पिटक के सात ग्रंथ हैं, आप तो जानते हैं, और इन सातों ग्रंथों पर आचार्य बुद्धघोष ने अट्टकथाएं लिखी है। इनमें अट्टशालिनी, धम्म संगिनी की अट्टकथा, और सम्मोह विनोदनी विभंग की अट्टकथा, शेष पांच ग्रंथों यानी कि धातु कथा, कथावत्थु, पुग्गल पंजलि, यमक और पठान, इनकी जो अट्टकथाएं, इनका संयुक्त नाम उन्होंने रखा है पच्चपकरण अट्टकथा। और इस तरह से ये सारी अट्टकथाएं जो प्राचीन सिंहली अट्टकथाओं और महाविहार की परंपरा पर आधारित है, ये बुद्धघोष ने पाली में लेकर आए, यानी कि मगध की भाषा में जिसे मागधी कहा जाता है उसमें लेकर आए। बुद्धघोष के जो पाली ग्रंथ है इसमें विशुद्धि मग जो है, यानी कि विशुद्धि मार्ग, हमने पिछली कड़ियों में भी आपको बताएं, और बुद्धघोष को अगर कहीं जाना पहचाना जाता है तो विशुद्धि मग के नाम से जाना जाता है। इसमें सद्गुण यानी कि शील, शुद्धता यानी कि ध्यान समाधि, इसकी शुद्धता यानी प्रज्ञा और ज्ञान की शुद्धता पर गंभीर सूक्ष्म और गूढ़ चिंतन इसमें किया गया है। शील का मार्ग जो विशुद्धि मग में मिलता है, इसका जो संदर्भ हमें मिलता है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित जो बुद्ध और उनका धम्म है उसमें भी ये मिलता है। तो शील का मार्ग कैसा होता है, तो शील विशुद्धि, विशुद्धि मग को जब लिखते हैं अट्टकथाकार आचार्य बुद्धघोष, तो वे कहते हैं कि शील विशुद्धि के अंतर्गत दो अध्याय है। दो अध्याय कौन से हैं, एक तो पहला अध्याय है शील और दूसरा अध्याय है धुत्तंग। तो हम शील को अगर समझें तो शील तो वैसे सदाचरण का जीवन जीना, ये शील का मार्ग है। सदाचरण का जीवन जीना मतलब इसमें मुख्य रूप से हम यदि कहें तो गृहस्थों के लिए पांच शील है, जिसे हम पंचशील के नाम से जानते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और इन पांच शीलों में कहीं कहीं ये व्यवस्था भी गृहस्थों के शीलों में मिलती है कि जैसे पूर्णिमा हो या फिर अमावस्या हो या फिर अष्टमी हो, तो इस पर वे अष्टशील भी ग्रहण करते हैं और इसके साथ वे अपने जीवन का मार्गक्रमण करते हैं। श्रामणेर के लिए दस शील है, और ये शीलों का जो मार्ग है ये शील विशुद्धि कहलाता है। शील के विषय में एक बात जरूर कही जाती है कि शील हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है, इसके सिवाय किसी का भी जीवन बेहतर नहीं हो सकता। शीलों के पालन से चित्त के जो क्लेश हैं वो शांत हो जाते हैं। शील अत्यंत शीतल है, सुगंधित है, और शील की जो सुगंध है वो दसों दिशाओं में फैल जाती है। बौद्ध साहित्य की अगर देखें या फिर बुद्धघोष के अनुसार अगर इस पर कोई कमेंट चाहे तो बुद्धघोष ये कहते हैं विशुद्धि मग में कि शील
शील का पालन, शील का आचरण, ये निर्वाण की प्राप्ति का प्रवेश द्वार है। मतलब यहीं से, शील के आचरण से ही निर्वाण के द्वार खुलते हैं और यहीं से उसका प्रवेश हो सकता है। शील की ये जो महत्ता है, इसी महत्ता को कोई भी गृहस्थ हो, यदि वो दृढ़ता पूर्वक इसका पालन करता है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन ये एक सात्विक जीवन हो जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे बेहतर जीवन को, शालीन जीवन को चाहता है। विशुद्धि मग में बुद्ध घोष ने इसी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और बड़े ही सरल शब्दों में ये पहुंचाने की कोशिश की। आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि कोई भी अहिंसा का यदि पालन करता है, तो निश्चित रूप से प्राणियों के प्रति बैर का जो भाव है, वो उसका भाव नष्ट हो जाता है। आप देखिएगा कि यदि कोई सत्य का पालन करता है, तो निश्चित रूप से उसकी वाणी जो है, उसमें अमोघ शक्ति आ जाती है। उसकी वाणी की ओर कोई भी आकर्षित हो जाता है। अचौर्य कर्म करता है कोई, चोरी नहीं करता है, तो इसके पालन से उसका जीवन जो है वो बिल्कुल संयमी हो जाता है। और यदि कोई मद्य निषेध करता है, तो निश्चित रूप से उसका चित्त जो है वो शुद्ध रहता है। तो शीलों का ये जो महत्व आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि निर्वाण प्राप्ति का यदि कोई पहला सोपान है, तो वो शील है। यदि हम धुत्यंग को देखें, तो धुत्यंग पर ये बात कही जा सकती है कि धुत्यंग ये एक विशिष्ट प्रकार का व्रत है। आज भी हम लोग इस बात को सुनते हैं कि भाई कोई भिक्षु ये धुतांगधारी है, तो ये धुतांगधारी मतलब इसमें तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को सादगी का पालन करने के लिए इस तरह की अनुमति दी है। लेकिन एक बात होती है कि जो धुतांग का धारण करते हैं, वे लोग इसका प्रचार नहीं करते। तथागत ने इसकी अनुमति किसी को भी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि इसकी अनुमति किसी को नहीं है कि वो इसका प्रचार करें, यानी कि अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए इसका कोई विज्ञापन करने की, इसका प्रचार प्रसार करने की किसी को अनुमति नहीं है। तो धुतांगधारी जो होते हैं, वो निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्तर पर इसका प्रैक्टिसिंग करते हैं। ये सामूहिक तौर पर लोगों के पास ले जाने की चीज नहीं है। अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन व्रतों को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं। इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही जाती है, मतलब जो बौद्ध जीवनचर्या में, चाहे फिर भिक्षु तो इसको करते हैं, चाहे कोई गृहस्थ भी ऐसे की किसी धुतांग का पालन करता हो, तो उसके मित्र को भी, उसके साथ रहने वाले को भी इसका पता नहीं होता कि वो इस तरह का कोई व्रत पालन करता है। तो इस तरह से ये परंपरा आगे बढ़ती है। संघ में ये परंपरा, यानी कि भिक्षु संघ में ये परंपरा आज भी जीवित है। विशुद्धि मग में इसका बड़ा पूरा उल्लेख मिलता है, पूरा विश्लेषण मिलता है। जो उपसंपन्न भिक्षु होते हैं, वो 13 तरह के धुतांगों का पालन करते हैं। अगर वे चाहे तो ये कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तथागत ने इसके लिए कोई बंधन नहीं रखा है, लेकिन भिक्षुओं को इसकी अनुमति जरूर दी है। लेकिन एक शर्त पर अनुमति दी है कि अपने मान सम्मान के लिए इसका कोई विज्ञापन ना करें, इसका कोई प्रचार प्रसार ना करें। अब ये वक्त पूरा होता है, यहाँ रुकेंगे इस कड़ी में। लेकिन बुद्ध घोष की विशुद्धि मग की अगली कड़ी में जब आप मिलेंगे, तो विशुद्धि मग की उन बातों पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे जो विशुद्धि मग बुद्ध घोष सिखाते हैं। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा।